नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीका तैयार करने वाले वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.81% हुई। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी और उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद को पनाह और वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क को समाप्त करने का कानून लागू करने का आग्रह किया। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है किसानों तो उपलब्ध नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है, अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब छल से धोखे से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार नेक इरादों के साथ काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर पहले भी कई पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई थी लेकिन उनका लाभ गरीब किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ संदेह है वे अवश्य ही भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ भी लेंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अब सरकार किसानों की सहायता कर रही है और उन्हें बीज, सिंचाई सुविधा, बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग 47 लाख हेक्टर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यूपीए 2 के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में किसानों के उत्पादों की खरीद कई गुना अधिक की है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान भी सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की प्रवृत्ति है और उन्होंने पीएम किसान निधि योजना के साथ भी ऐसा ही किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के प्रयागराज के हंडिया से वाराणसी के राजा तालाब खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज और वाराणसी के बीच उन्नत राजमार्ग से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और इससे विकास को और बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। देश के 2 बड़े और आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर में से एक हमारे उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी का अभी जो विकास हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर से आने जाने वाले भारी व्हीकल शहर में एंट्री लिए बिना सीधे इस नए 6 लेन हाईवे से निकल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी से अब विदेशी बाजारों में सब्जियों और फलों का निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कई आयोजनों में भाग लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा के बाद उन्होंने मंदिर में भगवान शिव की प्रार्थना की। गंगा नदी पर एक क्रूज में यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और देव दीपावली उत्सव में भाग लिया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत उन ताकतों को करारा जवाब दे रहा है जो इसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को चुनौती देती हैं। उन्होंने वाराणसी में आकाशदीप की परंपरा का स्वागत किया जिसमें लोग देश के बहादुरों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए दीप जलाते हैं। ब्यौरा हमारे वाराणसी संवाददाता से। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर काशी में दीपावली मनाने आते हैं और देव दीपावली के उत्सव पर पहली बार लाखों दीयों की जगमगाहट में देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति की आभा भी मौजूद थी। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिया जलाने के साथ ही औपचारिक रूप से देव दीपावली उत्सव की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक समूहों ने शिव और माँ गंगा की आराधना प्रस्तुत की और लगभग 15 लाख से अधिक दीप गंगा के दोनों तरफ 84 घाटों पर जगमगा उठे। दियों की सुनहरी रोशनी से नहाती गंगा की लहरों पर सवार होकर प्रधानमंत्री ने इस विहंगम दृश्य को निहारा और लेजर शो का भी आनंद लिया। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हजारों की भीड़ इस अद्भुत नजारे को देखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रही। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं। किसान अब राज्य के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। परिणाम स्वरूप किसान अब राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मंडियों या बाजारों में बिक्री पर लागू अतिरिक्त बाजार शुल्क, उपकर या लेवी का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। एक रिपोर्ट। किसानों को अपनी उपज को स्थानीय मंडियों में बेचने की बाध्यता से मुक्त करने से बड़े बिचौलियों और उनके साथियों में बेचैनी पैदा हुई है। ये लोग किसानों और ग्रामीण समुदाय का लगातार शोषण करने के लिए अब भी बेचैन हैं। किसानों को बिचौलियों, खरीदारों और विपणन समितियों के बीच के गठजोड़ के कारण मजबूरी और जल्दबाजी में अपनी उपज को बेचना पड़ता था, परन्तु अब उन्हें अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए कई अन्य विकल्प उपलब्ध हुए हैं। किसानों को अपने उपज मूल्य का 16.5% तक का हिस्सा मंडी समितियों को देना पड़ता था, परंतु अब उन्हें बड़ा फायदा होगा और वे मंडियों के बाहर भी अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अतहर सईद। केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है।
ये कोष कृषि के लिए एक ऐसा बुनियादी ढांचा कोष है जो फसल कटाई के बाद के आवश्यक खर्च और सामुदायिक खेती के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक होगी। इसके अंतर्गत किसान इस कोष के इस्तेमाल से बेहतर उत्पादन के साथ ही विपणन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी दी जाती है। सरकार 7 साल के अधिकतम अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट भी प्रदान करती है। इस सुविधा के तहत ऋण चुकौती के लिए अधिस्थगन 6 से 24 महीने तक होगा। इस निधि के जरिए कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और किसान समूहों को गोदामों के निर्माण, ग्रेडिंग यूनिट, आपूर्ति श्रृंखला और कोल्ड चेन की सुविधा के लिए ऋण की उपलब्धता होगी। इसके अलावा यह निधि प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना और बीज से बाजार तक के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं। श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव का अनुमान लगा लिया था और उन्होंने इस मुश्किल समय का इस्तेमाल नीति निर्माण के लिए अपने फैसले करने में किया। श्री शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, बिजली और कर सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक नीति आधारित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े उत्साहवर्धक हैं और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक बने रहने की आशा है। छत्तीसगढ़ में कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद आरंभ होगी। ये अगले वर्ष 31 जनवरी तक जारी रहेगी। धान खरीद के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस साल यहाँ समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 21 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इन किसानों ने लगभग 28 लाख हेक्टेयर में धान की फसल उगाई है। पिछले साल सरकार ने 18 लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। धान खरीदी सही तरीके से हो और किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों का एक दल भी गठित किया गया है जो खरीदी केंद्रों में जाकर समय समय पर निरीक्षण करेगा। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों से कोई व्यक्ति अवैध रूप से लाकर छत्तीसगढ़ में धान न बेच पाए, इसके लिए भी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में निगरानी रखने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़ जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 1-4-5-5-5 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीका तैयार करने वाले वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.81% हुई।
जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद को पनाह और वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क को समाप्त करने का कानून लागू करने का आग्रह किया। सटीक विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 टीके विकसित करने वाली तीन टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की है। ये टीमें पुणे की जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की हैं। श्री मोदी ने COVID-19 महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबद्ध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए। जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरुआत से मिलने की आशा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द कोविड का टीका विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कोरोना वायरस से लड़ने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की। करीब करीब एक साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था, तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किस्त के रूप में 9 अरब रूपये के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोरोना के टीके पर शोध और विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास, प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। COVID-19 के खिलाफ भारत विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील और इटली जैसे देशों में प्रति 10 लाख आबादी पर भारत की तुलना में अब तक संक्रमण के 4 से 5 गुना अधिक मामले सामने आए हैं। एक रिपोर्ट। प्रति 10 लाख जनसंख्या में भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 28 नवंबर को 98 दर्ज की गई, जबकि अमेरिका में प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर 813 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि ब्राजील में यह संख्या 805, यूके में 846 और फ्रांस में 780 दर्ज की गई। इस प्रकार इन सभी देशों में मृत्यु दर भारत की तुलना में 8 से 9 गुना ज्यादा रही। वहीं भारत में प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों में भी कमी आ रही है। जहां सितंबर के मध्य में कोरोना के लगभग 97,894 मामले आए, वहीं यह संख्या 26 नवंबर को घटकर 43,174 रह गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में COVID-19 से ठीक होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोविड के कुल 4,46,952 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमित लोगों की कुल संख्या 94,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 443 लोगों की मौत होने से कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,37,139 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल संख्या 14,03,00,000 से अधिक की जांच हो चुकी है।
मुंबई कोविड संक्रमण को रोकने के लिए बृहन मुंबई महानगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया है। दीपावली के बाद निगम ने शहर में मास्क पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में बीएम की कोरोना पर लगाम कसने के लिए बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ उन्हें मुफ्त मास्क भी देगी ताकि वे लोग हर हाल में मास्क पहने। बीएमसी ने यह फैसला तब लिया जब उसे लगा कि 200 रुपए का जुर्माना भरने के बाद भी लोग बिना मास्क के ही आगे बढ़ते जाते हैं। बीएमसी के मुताबिक 28 अप्रैल से 28 नवंबर तक के वेस्ट वार्ड में बिना मास्क के अधिकतम 32,000 नागरिकों पर जुर्माना लगाया गया था, जिसमें जुहू और वर्सोवा जैसे इलाके शामिल है, और उनसे नगर निगम ने 63,00,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने सरकारी कॉलेजों के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित शिक्षा प्रबंधन व्यवस्था शुरू की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे 430 सरकारी कॉलेजों, 87 पॉलिटेक्निक और 14 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। आधुनिक डिजिटल शिक्षा पद्धति के कारण 24,000 प्राध्यापक और 4,50,000 विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहे पिछड़े समुदाय से आए विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान अर्जित करने में सुविधा प्राप्त होगी। कन्नड़ा और इंग्लिश भाषा में विषय समझाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो और क्विज के द्वारा प्राध्यापक पढ़ा सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एंड टेक्निकल एजुकेशन द्वारा सिलेबस के अनुसार ई स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में विद्यार्थी, प्राध्यापक और कॉलेजेस की योग्यता का स्तर नापा जा सकता है। विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकती है और इस संक्रमण के वक्त विद्यार्थी कहीं से भी इस शिक्षा पद्धति से जुड़ सकते हैं। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के टीके के उपलब्ध होने पर इसके लिए राज्य के 30,000 स्थानों को चिन्हित किया है। मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हुई बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ने ये जानकारी दी। केरल में कोविड-19 के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। राज्य में आज 3,382 नए मामले सामने आए और 6,055 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। इस समय केरल में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 61,894 हो गई है। नागालैंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। वहां आज कोविड-19 के 188 रोगियों के स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय सक्रिय मामले घटकर 925 हो गए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 10,086 है। कोरोना से बचाव के उपायों पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने के दौरान एहतियाती उपाय किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से बचना चाहिए। इसमें डेफिनेटली शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। इसमें खतरा होता है क्योंकि ये उसी प्रकार का खतरा है जैसे कि आप अपना मास्क किसी और व्यक्ति को दे दें। सपोज आपने तौलिया यूज किया है, आपने उसकी इस्तेमाल की भी कोई चीज उसके संपर्क में आप आ जाते हैं, या एक ही रजाई बिस्तरे में जहां अभी वो बैठे थे आप अंदर बैठ जाते हैं, तो चांस है कि आपको संक्रमण हो सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में गठिया रोग विभाग के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप newsonair से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव और सरपंचों के उपचुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। ये जानकारी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने दी। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 280 निर्वाचन क्षेत्रों में से कश्मीर की 25 और जम्मू संभाग की 18 सीटों सहित 43 निर्वाचन क्षेत्रों में कल दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। दूसरे चरण में डीडीसी के लिए कश्मीर से 196 और जम्मू संभाग से 125 समेत कुल 321 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में सरपंचों के उपचुनाव के लिए 83 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन 83 सीटों के लिए 151 पुरुष और 72 महिलाओं सहित कुल 223 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह पंचों के उपचुनाव 331 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। इस चरण में 552 पुरुषों और 157 महिलाओं सहित कुल 709 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 8 चरणों में होने वाले डीडीसी के चुनाव और पंचायतों के उपचुनाव 19 दिसंबर को संपन्न होंगे। पहले चरण में पिछले 28 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद को आश्रय और वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानून लागू करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी स्तरों पर आतंकवाद की निंदा करता है। भारत की अध्यक्षता में आज शंघाई सहयोग संगठन परिषद के 19वें सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन देशों के बारे में चिंता व्यक्त की जो राष्ट्रनीति के साधन के रूप में आतंकवाद का लाभ उठाते हैं। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण पूरी तरह से आत्मा और आदर्शों तथा शंघाई सहयोग संगठन के चार्टर के खिलाफ है। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इस संकट का हमें सामूहिक रूप से मुकाबला करने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संदर्भ में श्री नायडू ने कहा कि भारत इससे बहादुरी से लड़ा है और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ वायरस से लड़ने में उल्लेखनीय दक्षता दिखाई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे हथियारों से अकारण गोलीबारी की और मोर्टार दागे। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आज दिन के 3 बजे के बाद की गई इस हरकत का सतर्क भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। गुरु नानक जयंती और गुरुपर्व आज भारत सहित विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गुरु नानक जयंती धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहेगा, बाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है, कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा, लेह में आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं, गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा और गुवाहाटी में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीका तैयार करने वाले वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.81% हुई। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद को पनाह और वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क को समाप्त करने का कानून लागू करने का आग्रह किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।